मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा था इंस्ट्रक्शन मेजर में, जिसमें हम लोग टाइप पढ़ रहे थे। तो इसमें जनरली दो टाइप का एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर के सोर्स क्या क्या हैं, इसमें हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल एरर एक सोर्स है सिस्टमेटिक एरर के लिए। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों क्रिएट हो सकता है। दूसरा हमें पढ़ना इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आर प्रोसीजर। तो इस के नाते भी सिस्टमेटिक एरर अराइज हो जाता है इन मेजरमेंट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो इस कंडीशन से भी एरर क्रिएट हो सकता है। कैसे? तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अगर हम परफेक्ट नहीं है उसको होल्ड करने के लिए एक्सपेरिमेंट को, या हमें प्रोसीजर सही से पता नहीं है कि कैसे प्रोसीजर क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, तब भी हमारा एरर क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे है इसको समझेंगे कि इम्परफेक्शन का मतलब क्या है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया था, ये दूसरा इम्परफेक्शन पढ़ना है। इसके गाड़ी हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें फीवर मेजर करना है, इसी पर फीवर कितना है, और अगर हम थर्मामीटर को यहाँ आर्मपिट में रख करके फीवर मेजर करें तो हम देखेंगे कि जो फीवर आएगा 3 डिग्री फारेनहाइट में जो आता है वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कुछ कम ही रहेगा। इसका मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाया, उस प्रोसीजर में क्या है कमी, प्रोसीजर गलत है हमारा। तो अगर हम सही वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो थर्मामीटर को कहाँ मुंह में रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है कि हमें कितना फीवर है। तो ये होता है कि हमारा प्रोसीजर सही होना चाहिए, जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हमारा करेक्ट है कि रॉन्ग है। रॉन्ग यूज़ करेंगे इससे वैल्यू सही नहीं आएगी, कम आएगी या ज़्यादा हो सकती है, और सही मेथड यूज करेंगे प्रोसीजर तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो यही था इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आर प्रोसीजर, इसको हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। अगर हमारा प्रोसीजर सही नहीं है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, रीडिंग सही नहीं आएगी, एरर क्रिएट होगा। तीसरा जो सिस्टमेटिक एरर में है उसको कहते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर लिखना नहीं, इसको निकाली समझते चलना है। तो पर्सनल एरर का मतलब क्या हुआ, जनरली कोई ना कोई पर्सन ही कोई एक्सपेरिमेंट करता है, मेजरमेंट करता है, तो पर्सनल एरर ये कैसे क्रिएट हो जाता है इसको समझने के लिए अगर हम क्या करेंगे, हमारा ये इस तरह से एक वर्टिकल स्केल है, स्केल है, हमें यहाँ पे कोई रीडिंग मेजर करना है। ये हमारा मान लिया स्केल हो गया, जहाँ इस तरह ये शुरू है 0 से ये बहुत ही पास पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, ये यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 0 से स्टार्ट होकर के इस तरह नीचे तक है, और कोई लेंथ है हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह हमने यहाँ रखा हुआ है, इतना लेंथ है इसका यहाँ से यहाँ तक यल, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ या यल है। तो अगर हमें रीडिंग पढ़ना कि इस पॉइंट पे कितना रीडिंग है, तो अगर हम नीचे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम एग्जैक्ट नहीं देख पाएंगे कि कितना पॉइंट पे है। इसे मीटर स्केल हमने लिया है तो लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, तो उसको अगर हम नीचे से देख के पढ़ेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्लियर नहीं पता चल पाएगा, उसमें बहुत पास पास डिवीजन होते हैं, या तो हम उससे एग्जैक्ट वैल्यू से कम बता देंगे या ज़्यादा बता देंगे। तो इस तरह पर्सनल एरर क्रिएट हो जाएगा, या हम नीचे से देख रहे हैं मेजरमेंट करना, यहाँ नीचे से यहाँ तक तो नीचे देख रहे हैं वैल्यू कहाँ पे है, तो ये भी सही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी हम तिरछा देख रहे हैं उस पॉइंट को, तो इसमें भी क्या है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा,
या तो हम इसको मेजर कर देंगे या फिर ज़्यादा लगा देंगे। तो इस टाइप से जो हम इरर क्रिएट करते हैं ड्यू टू गिवन पर्सन, उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स इरर। दिस इरर अराइजेज ड्यू टू पैरेलैक्स, क्योंकि हमने उस पॉइंट को एकदम सामने से ऑब्जर्व नहीं किया है, उसको थोड़ा सा इससे तिरछा ऑब्जर्व किया, या तो ऐसे ऊपर या तो ऐसे नीचे, तो रीडिंग सही नहीं आता। जब हम उसको एकदम सामने से देखेंगे जहाँ हमें पढ़ना है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है, और अगर सामने से नहीं देखेंगे तो वो पैरेलैक्स के नाम पर एरर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज नोन एज पर्सनल एरर। ये पर्सन कैन क्रिएटेड एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू पैरेलैक्स। सो हमें पैरेलैक्स रिमूव करके ही मेजरमेंट करना चाहिए, मतलब रीडिंग को एकदम सामने से ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे कि पैरेलैक्स के कंडीशन ना आए। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल एरर। अब उसके बाद दूसरा टाइप जो है सिस्टमेटिक एरर की, कोर्स है जो इन्हें वन डायरेक्शन में आगे पॉजिटिव और निगेटिव एरर क्रिएट होता है। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे रैंडम एरर। ये एरर कब क्रिएट होता है? रैंडम एरर्स कौन से क्लियर है? ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ द मेजरमेंट। कैसे क्रिएट होगा रैंडम एरर? तो रैंडम एरर जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ का, अचानक उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, जैसे वोल्टेज वैरी करता रहता कि 220 वोल्ट सप्लाई आया, कभी 210 आया, कभी 200 हो गया। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमारा मेजरमेंट सही नहीं हुआ, फ्लक्चुएशन से एरर क्रिएट हो जाएगा। या टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया, मंजिला के गाड़ी टेम्परेचर सब कांस्टेंट आना चाहिए, तो टेम्परेचर का ही अगर वेरिएशन आ गया एक्सपेरिमेंट करते समय, तभी एरर क्रिएट हो जाएगा। या बाय चांस कोई मैकेनिकली ऑपरेटर्स को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे वाइब्रेट करा दिया, कोई इसे झटका दे दिया, तभी क्या होगा? एरर क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो एरर क्रिएट होते हैं उसी को हम रैंडम एरर कहते हैं। मीन्स रैंडम एरर इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज होता है, और टेम्परेचर, एंड ड्यू टू मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द ऑपरेटर। दिस टर्म्स क्रिएटेड द रैंडम एरर्स। तो अगर हम चाहें रैंडम एरर क्रिएट ना हो, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, तब हमें रैंडम एरर फ्री वैल्यू मिलेगी, नहीं तो उसमें रैंडम एरर क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स एंड इट्स टू टाइप, सिस्टमेटिक एरर एंड पर्सनल एरर। तो ये हम देखें कि कैसे जैसे हम एरर क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें पता रहेगा तो ये हम इससे इस टाइप के एरर को क्रिएट नहीं करेंगे, जिससे हमारा वैल्यू थोड़ा सही आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के एरर हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अवॉइड कर रहे हैं उस टाइप के एरर को मेजरमेंट में, हमारा वैल्यू सही आएगा। तो इस तरह से ये एरर हुआ। अब इसके बाद एक और एरर क्रिएट हो सकता है, जिसको हमें लिखना भी रहेगा, इसका नाम है लीस्ट काउंट एरर। ये नाम हमने देखा, मानी लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट तो पढ़ेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट, द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि लीस्ट काउंट के नाते भी एरर क्रिएट हो जाता है, अगर हम कितना भी सावधानी बरते हैं। और ऑपरेटर्स में लीस्ट काउंट की दिक्कत है, प्रिसाइज ऑपरेटर्स नहीं है, प्रिसाइज मेजरमेंट का ऑपरेटर्स नहीं है, तो एरर तो आ ही जाएगा हम कुछ भी करें। तो इसी को हमें समझना है, पहले लिखना है लीस्ट काउंट एरर, यहाँ से लिखना इसमें ही लिखेंगे द एरर एसोसिएटेड विथ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
एरर एसोसिएटेड विद लिस्ट काउंट और इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर। एरर एसोसिएटेड विद लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। मतलब कि लिस्ट काउंट के नाते जब एरर क्रिएट होगा उसको हम लिस्ट काउंट एरर कहेंगे। अब इसको हम समझेंगे कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए हम एक मीटर स्केल बना रहे हैं सेंटीमीटर उसमें दिखाएंगे और देखेंगे कैसे एरर आ जाता है। उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। तो अगर यह मान लिया बना रहे हैं मीटर स्केल जिसमें 1 सेंटीमीटर तक दिखाएंगे, यहाँ हमारा 1 सेंटीमीटर स्केल का है। मान लिया हमें कोई लेंथ मेजर करना है जो यहाँ से यहाँ तक है, यह लेंथ है कोई ऑब्जेक्ट का, इसको हमें मेजर करना है। तो कितना पढ़ेंगे हम, अगर इसको पढ़ना हो क्या वैल्यू होगी, तो अगर हमें लिस्ट काउंट पता तो मेजर कर सकते हैं। अगर हम मिलीमीटर में कहें तो कितना मिलीमीटर यहाँ तक, 5.67 इस लेंथ की वैल्यू होगी 7 मिलीमीटर। 7 डिवीजन तक लाई करें 8, 9 फिर 1, 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर, या इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो 0.7 सेंटीमीटर। इस लेंथ को हम बिना एरर के क्लियरली मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि एरर कैसे क्रिएट होगा, उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते इस अपरेटस पे। अगर हमारा लेंथ यहाँ तक लाई कर रहा है, इन दो लाइन के बीच में कहीं, इन दोनों लाइन के बीच में ही तक है, यहाँ 0 से यहाँ तक लाई कर रहा है, अब हम कितना रीडिंग पढ़ेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होता है 5, 6, 7, या तो हम इसको 7 मिलीमीटर पढ़ें या 8 मिलीमीटर पढ़ें, और 8 मिलीमीटर चूँकि 7 और 8 के बीच में है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम एग्जैक्ट पढ़ें, क्योंकि इसमें इस तरह का डिजाइन ही नहीं है कि इससे कम मेजर, 1 मिलीमीटर से कम मेजर करें। तो या तो हम 7 पढ़ेंगे तो या तो 8 पढ़ेंगे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, एरर क्रिएटेड है देखने में, ना तो ये 7 है ना तो 8 ही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम 7, 8 के अलावा दूसरा कोई वैल्यू पढ़ें। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही है, उससे छोटा मेजर नहीं कर पाएगा, तो लिस्ट काउंट के नाते यहाँ एरर क्रिएट हो गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि लिस्ट काउंट से कैसे एरर क्रिएट होगा। इसको हम अगर और क्लियर मेजर करना चाहें तो हमें वर्नियर कैलिपर्स लेना होगा, जो 1 मिलीमीटर से भी छोटा डिवीजन मेजर करेगा, हो सकता है क्या है इससे और बेटर मेजर करेंगे। इस तरह ये था लिस्ट काउंट एरर। अब इसके बाद कुछ एरर में पार्टिकुलर नेम है, इसको हम समझने के लिए फिर से हमें ओम्स लॉ समझना होगा। इसको समझने के लिए जैसे एरर्स में कुछ नेम होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एक होता है रिलेटिव एरर, एक होता है परसेंटेज एरर। तो ये तीनों वर्ड का मतलब समझने के लिए हम ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इसको हमने 10th में किया है, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में कैसे रीडिंग निकालते हैं, और उससे हमें जो 3 वर्ड समझना है उसको देखेंगे। तो इसके बाद हमें समझना वाटी एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर, ये देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट का यूज करेंगे इससे हम समझ पाए। तो मान लिया हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें वोल्टमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग, इसमें करंट मिलेगा, और फिर हम VI का रेशियो लेते हैं, जो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम मान लिया कि ओम्स लॉ पर KM में 3 रीडिंग आया, तो 3 रीडिंग में जो पहला रीडिंग था उसको हमने मान लिया R1, जो दूसरा रीडिंग आया R2,
तीसरा रीडिंग आया आर थ्री। अब इनकी कुछ वैल्यू भी हो सकती है, जैसे आर वन मान लिया होगा 2.1 आया हूँ, आर टू 2.3 ओम आया, इसको हम आपको जैसे लिख दे रहे हैं, आर थ्री 2.4 ओम आया। जब भी हम ये रीडिंग निकालते हैं ओम्स लॉ, वी आर आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग आर की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये यहाँ तक निकालने के बाद ये कहा जाता है कि रीडिंग में वेरिएशन है जो कि कांस्टेंट होना चाहिए एक्चुअली, दिस रीडिंग मस्ट बी कांस्टेंट क्योंकि वेरिएबल है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसका एवरेज निकालने, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस रीडिंग मींस मीन वैल्यू, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं देन, तो इसको हम लिख रहे हैं आर मीन दिस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, तो हमारा क्या निकलता है आर मीन, और तब हम ये थोड़ा सेटिस्फाई होता है, अब हमारा थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट है तो ये है कि कम से कम आर मीन तक निकालते हैं, इसी काम यूज करेंगे यहाँ आगे समझने के लिए। अगर तो हम आर मीन निकाल ही रहे हैं यहाँ पे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 2.1 प्लस 2.3 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 8 आ गया 6.8 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ जाएगा 2.22, तो 2.2 तक हम रहने दे, ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया 2.2 तक हमने लिया है, तो 2.2 हमारा क्या है मेन वैल्यू है, इसको हम मानते हैं कि अब हमारा मोर एक्यूरेट होगा इन तीनों इंडिविजुअल मेजरमेंट से। तो हम जो आर मीन तक निकालते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में जब हम मीन ले लेते हैं रीडिंग का इंडिविजुअल मेजरमेंट का, उसी को क्या नाम देते हैं हम उसको ट्रू वैल्यू, या हम इसको क्या पढ़ रहे हैं ट्रू वैल्यू मान लेते हैं उसी को। तो यहाँ तक हमने समझा हुआ था कि व्हाट इज आर मीन दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इतना समझे थे, तो इसी के हेल्प से हम अब समझेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, लोग यहीं तक करके छोड़ देते थे, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर इसको समझना है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर हम आर मीन और इंडिविजुअल मेजरमेंट का इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लें, तो वही हमारा क्या कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर, मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अगर हम एब्सोल्यूट एरर को आर के अकॉर्डिंग डेल्टा आर से डिनोट करें, तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हम आर वन माइनस आर मीन, तो इसका हम ये नाम लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या देगा हमें एब्सोल्यूट एरर प्रोवाइड करेगा, और इसका हम क्या ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से जितना हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग न्यू वर्ड जो नाम एब्सोल्यूट एरर है उसको समझ सकते हैं, तो किससे और आगे आते हैं कि हमारा अगर आर वन इंडिविजुअल मेजरमेंट और आर मीन दैट इज ट्रू वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल दिया जाए, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ये हमें इससे क्लियर होना चाहिए व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, कितना होगा कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम समझ गए इससे आसानी से, यहाँ तक हमें पता ही था एक स्टेप आगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कैसे होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर जैसे आर वन माइनस आर मीन, तो ये हमारा आया डेल्टा आर वन, इसी तरह आर टू माइनस आर मीन करेंगे तो डेल्टा आर टू आएगा, इसी तरह और आगे हम करें
R3 माइनस R मीन करें तो डेल्टा R3 आएगा। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर बाद एक हमें समझना रिलेटिव एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर उसको समझने के लिए आगे देख रहे हैं और कितना इसको देखना सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इन डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 फिर क्या करें हम इसका मीन ले लें, मीन तो क्या होगा मॉड ऑफ डेल्टा R1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R3 बाई 3। इस तरह हमारा डेल्टा आर मीन पता चल जाएगा। बाद में इसलिए वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव या निगेटिव है हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका मॉड ले मॉड के अकॉर्डिंग वैल्यू रहेगा तो हमेशा क्या होगा ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव ही आएगा मॉड के अकॉर्डिंग। तो हमने आर मीन निकाला विच इज नोन एज ट्रू वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर देखा, फिर डेल्टा आर मीन निकाला, ये इस तरह से आएगा। अब अगर हम क्या करें कि रिलेटिव एरर क्या होता है, इफ वी टेक द रेशियो ऑफ डेल्टा आर मीन दैट इज मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर मीन डेल्टा आर डेल्टा डेल्टा आर थ्री का मीन किया गया वो डेल्टा आर मीन और जो हमारा आर मीन है दैट इज ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या कहा जाएगा रिलेटिव एरर कहा जाएगा। इसको हम समझ सकते हैं आप ओम्स लॉ, ये रेशियो क्या कहा जाएगा रिलेटिव एरर कहा जाएगा। अब इसके बाद एक वर्ड है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर तो इसी का अगर हम परसेंटेज निकाल लें रिलेटिव एरर का तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा यहाँ पे, तो जो हमारा जो रिलेटिव एरर आया है अपान आर मीन तो क्या करें परसेंटेज निकाल दें तो दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर। तो इसको हम क्या कहेंगे परसेंटेज एरर कहेंगे। तीसरा हम सलाह के साथ हम समझे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फिर रिलेटिव एरर कैसे क्या होगा और स्टेप आ गया है, फिर परसेंटेज एरर क्या होगा ये समझने के लिए था हम 11th के अकॉर्डिंग सिंबल यूज करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैसे क्या होते हैं इनका डिफिनेशन क्या है और इसके बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे एंड परसेंटेज एरर और अदर थिंग्स। ओके थैंक यू।